अबाउट 162 विधायक, तीन प्रमुख पार्टी, हमारे जो अलाइज छोटी छोटी पार्टीज हैं उसे हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, ये हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन और राजभवन को दिखाना चाहते हैं, और जिसने चोरी छिपे मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया हम उनको भी दिखाना चाहते हैं कि आपने संविधान की हत्या की है, बहुमत हमारे पास है, इस देश का नारा है सत्यमेव जयते, लेकिन अपने सत्यमेव जयते का भी हत्या की है। कल का जो नज़ारा था अपने देखा, ये उसका चित्र था। आज संविधान का दिन पाला जाएगा, पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है, लेकिन क्या यही संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था कि बहुमत की हत्या करें, और जिसके पास बहुमत नहीं है उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए? कल दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। अगर आपके मन में डर नहीं है बहुमत के बारे में, तो आप बहुमत से भागे भागे दूर क्यों भाग रहे हो? हमको सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय की गुहार क्यों मांगनी पड़ रही है कि भाई बहुमत के लिए फ्लोर पर हमें ताकत दिखाने, हमारी तो हमें मौका मिलना चाहिए। और जिसके पास बहुमत का दावा करते थे वो तो चोरी छिप कर किसी एक चांडाल चौकड़ी को बहुमत जुटाने का अधिकार देकर, सत्ता और पैसा का खेल लगाकर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर, लेकिन एक भी विधायक नहीं टूटेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी विधायक फिर एक बार उनके खेमे में पहुंच गए। आपने देखा कल लगभग 51 विधायक थे वहां, शिवसेना के सभी 56 विधायक थे और कांग्रेस के भी सभी विधायक थे और भी थे, तो यह आंकड़ा होता है 162 जो हमने राजभवन में हमारा जो खत गया है उसके साथ एफिडेविट्स भी है, लेटर्स भी है। सर, राजेंद्र भागवत जो विधानसभा के सचिव है, आपका जो है तो 162 नाही तर 130 ते 170 त्यांच्या अध्यक्ष मी उत्तर देणार, ते काही बोलतील, ते म्हणतील 40च होते, ते म्हणतील काहीच नव्हते, ते म्हणतील अदृश्य होतं सगळं, त्या प्रत्येक गोष्टीला त्यांना उत्तर देणं हे काय बरोबर नाही। विधानसभा कौन क्या कह रहा है उस बारे में जवाब देना मेरा काम नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं फर्जी, जो तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, हाँ मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन अगर कानून की बात करें तो शिवसेना के जो नेता है वो एकनाथ शिंदे है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चयन हुआ है वो जयंतराव पाटील है, उनको पूरा अधिकार है कानून है। मुझे क्या मालूम, आप उनसे पूछिए ना, हमने हमारा आंकड़ा दिखाया। आपका विश्वास है कि उनकी सारी प्लानिंग जो थी? हाँ, मैं उनके बारे में क्यों बात करूं? सर एक सवाल, उनके पास बहुमत था, राज्यपाल को फर्जी चिट्ठी दिखाई, और हमारे संविधान के जो प्रमुख है राज्यपाल, वो राज्यपाल महोदय ने, जिनका नाम भगत सिंह जी है, एक भगत सिंह जी हमारे देश के लिए फांसी गए और दूसरे भगत सिंह ने लोकतंत्र की हत्या की। ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के राजभवन में इस प्रकार की भी हत्या होती है। सर, लेकिन अभी भी आप लोगों में खौफ है कि राज्यपाल जो है फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दे अगर बीजेपी ये नहीं कर पाती है तो? अब इस प्रकार की गलती करके तो देखें, अब तक हम चुप है, संयम से बात ले रहे, उद्धव ठाकरे साहब हो, शरद पवार जी,
कांग्रेस के नेता, लेकिन कल आपने उद्धव ठाकरे जी का भी भाषण सुना होगा और कल आपने शरद पवार साहब का भी भाषण सुना है। ये महाराष्ट्र है, ये भूलो मत। आप महाराष्ट्र से अस्मिता और स्वाभिमान से इस प्रकार से छेड़छाड़ मत करिए। अभी भी हम चुप है सर। सर मराठी मध्ये आता फक्त मराठी विचारा। काल ज्या प्रकारे सगळे आमदार जाले हॉटेल मध्ये परेड झाली, परंतु असं बोललं जाते की कुठेतरी शक्ती प्रदर्शन केलं गेलं। बघा, हे शक्ती प्रदर्शन वगैरे आम्ही मानत नाही। काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब, माननीय शरद पवारजी, काँग्रेसचे सगळे प्रमुख नेते, खरगे साहेब होते, बाळासाहेब थोरात असतील, त्यानंतर अशोकराव होते चव्हाण, ज्या प्रकारचं फर्जी बहुमत, खोटं बहुमत दाखवून राज्यपालांना, मुख्यमंत्र्यांना घाईघाईत चोरट्यासारखी शपथ घेऊन, अजून ते गायब आहेत, ते कुठे माहीत नाही आम्हाला, पळून गेले सगळे, त्यांच्यासमोर खरं बहुमत काय आहे आणि कोणाकडे आहे हे देशाच्या जनतेला कळावं, महाराष्ट्राच्या जनतेला कळावं, त्यासाठी काल तो केलेला एक सत्याचा प्रयोग होता। आज संविधान दिवस आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान देशाला दिलं आहे, त्या संविधानामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे, ज्याच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे पुराव्यासह तो दाखवेल, त्याला पंतप्रधानपदाची, मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाते, असं आमचं संविधान सांगतं। आज संसदेमध्ये नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली संविधानावर चर्चा होणार आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या राजभवनात जे घटनेचे पालक आहेत, गार्डियन, राज्यपाल हे घटनेचे पालक आहेत, पीठासीन अधिकारी आहेत, तिकडे बसतात ते, प्रमुख लोक आहेत, त्यांच्या साक्षीनं संविधानाची हत्या झाली। काल आपण पाहिलं असेल 162 आमदार हे प्रत्यक्ष तुम्ही पाहिले, पण अजित पवार यांनी दाखवलेल्या खोट्या कागदावरती विश्वास ठेवून, संविधानाला साक्ष ठेवून एक शपथ देण्यात आली मुख्यमंत्र्यांना। ही या देशामधली आतापर्यंतची संविधानाची सगळ्यात मोठी हत्या आहे। म्हणून लोकांसमोर आम्ही आणलं सत्य काय। सत्य असं आहे की आमच्याकडे काल 162 होते आणि जेव्हा बहुमताची चाचणी होईल फ्लोर ऑफ द हाऊसवर, हाऊसमध्ये, तेव्हा हा आमचा, मी परत सांगतो, 170 होईल। सत्ता अशा प्रकारे जर तुम्ही मिळवणार असाल तर या देशामध्ये अराजक माजेल, अशा प्रकारची भीती अनेकदा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती। काय तीन पक्षांचं ऐक्य जाणे पाहिलं असेल तर त्यांनी आता तरी शहाणं व्हावं, आणि ज्या लोकांनी लोकशाहीचं तिरडी उचललेली आहे या महाराष्ट्रामध्ये, त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या पदांचा राजीनामा देऊन, नाहीतर बहुमताच्या चाचणीला लवकरात लवकर सामोरं जाऊन लोकशाहीची सुटका करावी। सचिवांनी जे आहे हा त्यांच्या पक्षाचा एक अंतर्गत विषय आहे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेस या पक्षातल्या घडामोडींवर बोलणं ठीक नाही, पण आम्ही सगळे एकत्र आहोत। कायदेशीरदृष्ट्या, घटनात्मकदृष्ट्या त्यांनी काही निर्णय घेतले असतील तर आम्ही त्या निर्णयाबरोबर आहोत। जयंत पाटील हे माझ्या माहितीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे, विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले गेले आहेत आणि त्यांना सगळे अधिकार आहेत। जसं आमच्याकडे विधिमंडळ पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे यांची निवड उद्योगीने केली। सर, कल की मीटिंग में कई नेताओं ने आपको मैन ऑफ द मैच कहा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जीत आपकी टीम को मिल गई है, जीत से अभी भी आप लोग दूर हैं? देखिए, मैं शिवसैनिक हूँ, मुझे कोई मैन ऑफ द मैच कहे या मैन ऑफ द सीरीज कहे, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। मैं शिवसैनिक हूँ, जो बाळासाहेब ठाकरे का सपना है या उद्धव जी ने जो आगे लेके जाने के लिए जो पूरी अब शुरू की हमने कवायद, मैं मानता हूँ महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का हो और हमें विश्वास है शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। सर, कल जिस तरीके से 162 विधायकों को एक छत के नीचे लाया गया था, उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जब सभी लोगों ने सवाल उठाने वाले उठाते हैं,
सर लेकिन फ्लो टेस्ट में कहा जा रहा है कि क्या यही विधायक अगर आपके पार्टी के प्रति अपनी जो संवेदना भाई आपके प्रति अगर वफादारी विधायकों की है तो आप बहुमत टेस्ट लेने के लिए डर के मारे भागते क्यों हो? आज शपथ ली है सुबह तो शाम को आप लीजिए। सर वो डर की बात है तो फिर क्यों विधायकों को होटल में ठहराया गया है? डर की बात है तो विधायकों की ऐसे आज 2 बजे लीजिए बहुमत की टेस्ट, हम अभी जाकर टेस्ट लेंगे। सर अजित पवार यूटर्न घेतील असं वाटतं का? बघा अजित पवार हे या जगाचे मोठे नेते आहेत, ते जागतिक स्तरावरचे नेते आहेत, त्यांच्याविषयी मी बोलणं आता योग्य नाही। त्याने ज्या प्रकारे फार मोठं क्रांतिकार्य केलेलं आहे तर त्या क्रांतिकार्यावरती मी काय बोलणार? आदल्या दिवसापर्यंत आमच्या मांडीला मांडीलावून बसले होते, आम्हाला मार्गदर्शन करत होते हे राज्य कसं चालवायचं, कोणी कुठला जबाबदाऱ्या घ्यायच्या याविषयी ते आम्हाला मार्गदर्शन करत होते। 2 दिवसापूर्वी दिल्लीतल्या आमच्या निवासस्थानी माझ्या आले होते, तिथे माझ्याशी चर्चा करत होते। असे महान विचाराची माणसं या महाराष्ट्रात जन्माला आलेले आहेत। आपने देखा ना बहुमत? आप कागज देखेंगे या आंखों से? जो आंखों से देखेंगे जिस तरह से फडणवीस ने अपना कार्यभार संभाल कर लगातार किसानों के लिए और सारे जो रिलीफ फंड साइन कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ये सब नेता है, हमारे सब मित्र है, ये यहाँ बैठकर अमेरिका का कारोबार भी कर सकते हैं या रशिया भी चला सकते हैं, इतने बड़े नेता बन गए हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ। सर शिवसेना संविधान दिवस में समारोह में हिस्सा लेगी? हमारा संविधान पर विश्वास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो संविधान देश की रक्षा के लिए है, जनता के रक्षा के लिए है। और आज दिन दहाड़े हमारे संविधान की अगर हत्या होती है तो हम संविधान दिन मनाएंगे और संविधान की रक्षा भी करेंगे। चलिए।